नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध तक में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई वैकेंसी के बारे में बात नहीं करने वाले। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ और राहुल हमारे साथ वो बताने वाले हैं कि क्यों ना करें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। हाँ भाई, क्यों ना करें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यार। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि कई लोग होते हैं अपना यार डिप्लोमा कर लेते हैं उसके बाद वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं डिप्लोमा बेसिस पे और बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन है। हाँ। तो बहुत सारी जो ब्रांच लेते ले लेते हैं गलती से ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि दसवीं के बाद, टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद उनको कौन सी ब्रांच लेना पड़ेगा, डिप्लोमा किस बेसिस पे करना पड़ेगा। तो वो जो मन में आया वो किसी भी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन किसी में भी, बस कोई कुछ भी बोलता है वो जाके अपना एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। डिप्लोमा करना बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि बहुत सारा साल बर्बाद हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप डिप्लोमा कर लेते हो और आपकी नौकरी नहीं लग पाती है। जैसे 100 बच्चे होते हैं, 60 में सिर्फ 10 से भी कम बच्चों की सरकारी जॉब लग पाती है, बाकी लोग बेरोजगार हो जाते हैं, फिर वो करते हैं ग्रेजुएशन। कि बहुत सारी आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता, आप लिमिटेशन में हो जाते हो क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन आ चुका है, बहुत दिक्कतें होती हैं। और कंपटीशन ऐसा नहीं कि हर जगह कंपटीशन, बट डिप्लोमा बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ज़्यादा कोई अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, करियर बहुत ज़्यादा आपका डाइवर्ट नहीं हो पाता। बहुत मैं तो चाहूँगा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन बेसिस पे आप अपना करियर चुने, जॉब देखें, उसके बाद अगर आप फ्री बैठे हो तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। उस भी डिप्लोमा करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हो तब तक आपका 3 से 3.5-4 साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप ये ऐसी गलती ना करें, सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन करें, उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हो करिए, क्योंकि तब तक आपको नॉलेज आ जाता है। क्योंकि टेक्निकल डिग्री ले रहे हो तो बहुत छोटी पोस्ट के लिए टेक्निकल डिग्री ले रहे हो और बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं इससे रिलेटेड। आजकल लाखों, हर साल 16 लाख बच्चे मध्य प्रदेश से डिप्लोमा करके निकलते हैं, उनको वैकेंसीज नहीं मिल पाती, जॉब नहीं मिल पाती और एमपी सरकार ने बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसीज बहुत सारी रोक के रखी है, वैकेंसीज नहीं आ पाती है। और कई सारे स्टूडेंट्स जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं और लैंग्वेज इश्यूज के कारण बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं जा पाते, अदर स्टेट्स में, मद्रास में, मद्रास की वैकेंसीज ही होती है और वो वहीं के लोगों को अप्लाई करने देते हैं, लोकल डोमिसाइल्स कि जो जिनके लोकल डोमिसाइल्स होता है वो अप्लाई कर सकते हो। मगर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप मध्य प्रदेश की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे क्योंकि आपके उसका ऑप्शन रहता नहीं है। फिर आप डिप्लोमा करने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट करके फिर 1 साल ड्रॉप ले लेते हो, उसके बाद आप लेते हो लेटरल एंट्री के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन, फिर वहाँ अपने साल बर्बाद करते हो, फिर वो साल निकल जाता है, फिर उसके बाद फिर नल्ले साइड बैठे रहते हो। मेन चीज तो ये भी है दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा या मैं बीई वालों का खासतौर पर बोलना चाहूँगा, वो पता नहीं क्या समझ कर बीई कर ली, उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, उसके बाद वो फिर किसी ने ज्ञान दिया उन्हें कि भाई एक काम करो तुम पीएसयू का ट्राई करो, तो वो कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या वहाँ की कोचिंग ट्राई करते हैं, पीएसयू की मतलब कोचिंग स्टार्ट कर, सरकारी जॉब्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखते रहते हैं और उसकी तैयारी करने लगते हैं। तो फिर क्या उद्देश्य रहा उनका 4 साल बर्बाद करने का बी में, क्या पता वो 12th के बाद ही अगर वो तैयारी में लग जाते हैं तो अभी कहीं ना कहीं तो प्लेस्ड हो जाते वो। हाँ, ये आपने बहुत सही जानकारी दी क्योंकि बहुत सारे होते हैं बच्चे, इनको पता नहीं रहता कि क्या करना, समय बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिप्लोमा एडमिशन मत लो, मगर एक बार डिसाइड करके, क्योंकि डिप्लोमा बहुत लोकल, मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है भाई मैंने इलेक्ट्रिकल किया तू इलेक्ट्रिकल ले, तो दोस्त लोग इसी चक्कर में फिसल जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेते हैं। कई लोगों को पता ही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लोग कहीं में एडमिशन ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं पता रहता किस में लेना है। कई लोग हैं जिनको पता नहीं रहता कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, 12th में एडमिशन, 12th पास करने का जब डिप्लोमा एडमिशन ले जाए तब पता चलता है डिप्लोमा में इंस्ट्रूमेंटेशन नाम का सब्जेक्ट है, मेटलर्जी नाम का सब्जेक्ट है। बहुत सारी इनके इन जो यूनिक वैकेंसीज जो निकलती हैं, बहुत सारी जिनमें बहुत सारी जो वैकेंसी निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलने के चांसेस रहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है दूसरी ब्रांचेज जो स्पेशल ब्रांचेज रहती हैं उस पर उनकी जॉब लगना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं चाहूँगा अगर आप डिप्लोमा करें तो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पड़ताल कर लें, जांच पड़ताल की आपको कहाँ भविष्य बनाना है, क्या करना है, तो आप तो ही आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको एडमिशन लीजिए, बेसिक से ग्रेजुएशन करें, जो आपका मन करता है वो करें, ठीक है। दोस्तों मैंने जैसा बोला था जिस काम में आपका जुनून है उसी काम को आप एज अ करियर चुने, ठीक है। युद्ध टॉक को, हमारे युद्ध जो टॉक है हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप तक पहुंचते रहे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए हम चलते हैं, आपको मिलेंगे नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।